जय हिंद भाइयों, जो हम BSF RORM के लिए जो हम क्लास लेके आते थे तो थोड़ा सा लेट हो गए, क्योंकि यहाँ पे हम 3-4 दिन से वीडियो नहीं बना पाए, थोड़ा सा कुछ ऐसा अर्जेंट काम आ चुका था। तो आज देखिएगा, आज आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस लाए गए हैं जो क्लास 12th के भी कुछ मिक्स हैं और क्लास 11th के भी मिक्स हैं, ठीक है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं मेरे भाई, इसमें PYQ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं। तो याद रखिएगा, ध्यान से आपको कॉन्सेप्ट को सीखना है और कॉन्सेप्ट प्लस आपको ये क्वेश्चन कराए जाएंगे। पहले इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद में आपको सवाल लगाने बैठना है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा शेयर करा करिए मेरे भाई, देखिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमें यहाँ से जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और कमेंट आती हैं, तो यहाँ से हमको मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। तो इसमें क्या किया है, देखो, समझना थोड़ा सा। इसका कॉन्सेप्ट ये कहता है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर क्या है मेरे भाई, देखिएगा एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है मेरे भाई। देखिए, हम ये क्वेश्चन लाते कहाँ से हैं, जैसे आप किसी भी टीचर YouTube में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ से जो जो मोस्ट क्वेश्चन लगते हैं वहाँ से हम उसको क्वेश्चन को उठा लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि when an earth conductor is brought closer to a charge conductor then the capacity of the conductor, मतलब ये कि जब चार्ज अर्थ जो होता है अर्थ कंडक्टर, उसको जब हम कंडक्टर के पास मिलाएंगे, चार्ज कंडक्टर के पास मिलाएंगे, तो कैपेसिटेंस क्या होगा। तो इसका कॉन्सेप्ट मेरे भाई ये होता है कि मान लीजिए ये कोई कैपेसिटेंस है, समझिएगा, इसको हम मान लीजिए अर्थ कर दिए मेरे भाई, क्या कर दिए, अर्थ कर दिए, मान लो अर्थ कर दिए। तो क्या होता है कि जब हम अर्थ करते हैं तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मेरे भाई कंडक्टर की ओर चल देते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से अर्थ से जाएंगे और इस कंडक्टर में प्रवेश होने वाले हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन अर्थ से कंडक्टर में चले जाते हैं। तो मेरे भाई, और आपको पता है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव होता है, और निगेटिव चार्ज क्या करता है मेरे भाई, पोटेंशियल को मेरे भाई क्या करता है, डिक्रीज करता है। ध्यान से देखिएगा, मैं क्या क्या बोला, जब आप कंडक्टर को अर्थ करेंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अर्थ से कंडक्टर में जाएंगे, और क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव चार्ज होता है, तो वो पोटेंशियल निगेटिव चार्ज को डिक्रीज करता है, मतलब जो निगेटिव चार्ज होता है वो पोटेंशियल को डिक्रीज करता है, ठीक। तो जब डिक्रीज करेगा तो आपको ये फार्मूला पता होगा, आप इस फार्मूले को ज़रूर आप काफ़ी बार पढ़े होंगे कि C इज इक्वल टू Q अपॉन V आपने पढ़ा होगा। तो आपने बड़े ध्यान से देखो कि यहाँ पे C है, यहाँ पे V है, यहाँ पे C है, यहाँ पे V है, तो C जब डिक्रीज हो रहा है तो कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो मेरे भाई ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, आपका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा जब किसी अनचार्ज कंडक्टर को क्या करोगे मेरे भाई, पास में लाओगे। कोई दिक्कत आपको, तो इसका कॉन्सेप्ट का आंसर ये है। एज इट इज आपको PDF मेरे भाई टेलीग्राम में मिलेगी, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के मेरे भाई शेयर करा करिए, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, कैपेसिटी ऑफ द अर्थ ब्यूश एट द स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ द रेडियस 6408 किलोमीटर। तो बड़े अब ध्यान से समझना मेरे भाई, ठीक है। अब स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर का जो फार्मूला होता है, यदि आप कभी देखे होंगे इस फार्मूले को, ये होता है C = 4πε0K×R, और ये होता है रेडियस, ये होता है रेडियस, और क्वेश्चन में हमें रेडियस गिवन कर दिया है 64.08 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो बड़े ध्यान से समझना मेरे भाई कि क्या आप जानते हैं, मैं एक पेज आपको प्लस करके दिखाता हूँ, आपको एक चीज़ प्लस करके समझाता हूँ। आपको पता है मेरे भाई कि 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 3×10⁻¹। क्या कोई दिक्कत है आपको यहाँ से, होती है कि नहीं होती है सर, ठीक। तो बड़े ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे C = लिखा 4πε0R, इतना लिखा, तो इसको अगर सर 1/1/R, मतलब C = 1/1/4πε0 लिख सकते हैं कि नहीं, और R एज इट इज यहाँ लिखा होगा, लिख सकते हैं मेरे भाई, क्योंकि देखो ये ऊपर जाएगा तो ये इसी जगह में हो जाएगा,
ठीक है, मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हैं तो इतना कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और हमें इसकी वैल्यू पता चल गई है मेरे भाई, इसकी वैल्यू क्या है मेरे भाई, इसकी वैल्यू क्या है मेरे भाई, इसकी वैल्यू है सी इज इक्वल टू वन अपॉन और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैं यहाँ पर बता चुका हूँ आपको कितनी होती है 9 × 10⁻⁹ सॉरी मेरे भाई, कितनी होती मेरे भाई 9 × 10⁻⁹ अरे यार 9 × 10⁻⁶ में इतने मेरे भाई 9 होती है, ठीक है। और आर दिया हुआ है, और आर का क्या कितना दिया था मेरे भाई, आर कितना दिया था यहाँ पे क्वेश्चन में देख लेते हैं, आर कितना दिया हुआ है मेरे भाई 6408 किलोमीटर, कितना दिया हुआ है मेरे भाई 6408 किलोमीटर। और किलोमीटर को आप मीटर में बदलोगे, जब किलोमीटर को मीटर में बदलोगे तो मेरे भाई 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 10³, 1000 को 10³ लिख सकते हैं। अब आप इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। आपको ध्यान से देखो, यहाँ पे पावर 9 है, यहाँ पे पावर 3 है, इस पावर को ऊपर भेज दो और अब इसको आप अच्छे से सॉल्व करोगे और आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताओगे कि ए होगा कि बी होगा। आपको कॉन्सेप्ट आप तक पहुँचना चाहिए, मेरा यही सिद्धांत है, ठीक है। अब कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा मेरे भाई, कैलकुलेशन मैं आप करके बता सकता था लेकिन थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा क्या होगा जब आप कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो आपके थोड़ा ज़्यादा डाउट क्लियर होंगे, कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं और कैलकुलेशन में कितना फंसाया जा सकता है, तो इस चीज़ को आपको समझिएगा और इसका आंसर ज़रूर आप बताइएगा मेरे भाई, ठीक है। और दूसरा रीज़न ये है मेरे भाई कैलकुलेशन ना करने का यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैं मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ, इससे क्या होता है कि स्क्रीन छोटी होती है, जिस कारण से क्या होता है कि हम उस चीज़ को नहीं पहुंच सकती, ठीक है। तो आप सपोर्ट करें, जितना ज़्यादा सपोर्ट होगा तो क्या होता है कि जैसे ही सपोर्ट होगा तो चैनल जैसे जैसे ग्रो करने की कोशिश करेगा तो वहाँ से हम आपका क्या होगा कि नई नई टेक्निक्स को ला के आपको फुल एकदम जो वीडियोज़ होते हैं सामने आके पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ज़रूर बताना है और आपके सामने ये ऑप्शन दिए हैं बी क्वेश्चन का, तो आपको याद रखना मेरे भाई, ज़रूर आप आंसर दीजिएगा, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, थ्री कैपेसिटर हुज़ द कैपेसिटेंस आर C1, C2, C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो याद रखना मेरे भाई, याद रखना मेरे भाई कि यहाँ पे क्या है, कैपेसिटेंस हैं 3-2 हैं, तो किस में सर, सीरीज में है, तो कैपेसिटेंस सीरीज में जब होते तो वो होता है 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, ये होता है जब सीरीज में होता है मेरे भाई, ये मैं यस लिखे दे रहा हूँ। लेकिन सर यदि C = C1 + C2 + C3 कब होगा सर, जब ये किस में होगा सर, पैरेलल में होगा, पी और सी से आप याद रखेंगे मैं क्या बोला हूँ, ठीक है, जब पैरेलल में होगा। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, ध्यान से देखो, बी ऑप्शन में आपका ये आंसर दिख रहा होगा 1/C1 1/C2 1/C3, किस में सर, जब सीरीज में कैपेसिटेंस होंगे। अब देखो इस कॉन्सेप्ट को लाने का मुद्दा ये था कि 1/C1 इससे सर आपका न्यूमेरिकल आएगा, 100% न्यूमेरिकल आएगा, ऐप आपको इस तरह एज इट इज़ नहीं देगा, आपको C1, C2, C3 की वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो उसको फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा एलसीएम लेकर, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं है। और पहले बता रहा हूँ मेरे भाई, एज इट इज़ PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे। अब देखिए एक चीज़, थोड़ा सा रुकिएगा आप, अब यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन देख के आप वीडियो को से बाहर मत चले जाइएगा, समझने की कोशिश करिए मेरे भाई, समझने की कोशिश करिएगा कि क्योंकि देखिए BSF और RO RM में जो होता है, देखो RO में तो थोड़ा सा जो पेपर जो फिजिक्स का होता है उसका लेवल हल्का सा लो होता है, ठीक है। जैसे आप एयरफोर्स नेवी में अभी तक का पेपर आता है, इस बार का तो नहीं बोलूँ क्योंकि इस बार के एयरफोर्स का बहुत ही डेंजरस पेपर आया था, लेकिन अभी तक के जो पेपर आते थे उस लेवल का RO में क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन सर RM की बात करोगे मेरे भाई तो उसमें लेंथी क्वेश्चन आ रहे हैं, और वो लेंथी क्वेश्चन नहीं, दिखने में लेंथी होंगे बहुत बड़ा, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने, और इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे नहीं, बस आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि नहीं बनेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए और उसका कोशिश करिए करने की, क्या दिया हुआ मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर एज मीडियम, ठीक है, बिटवीन द प्लेट कैपेसिटी इज इतना, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, तो एयर और मीडियम के बीच में जो कैपेसिटी है वो मेरे भाई 10 μF है, ठीक है। तो द एरिया ऑफ द कैपेसिटर डिवाइड इंटू
डिवाइड इंटू हाफ। ओ माई गॉड, अगर एरिया को आधा कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए, एंड फील्ड टू मीडियम डाइलेक्ट्रिक एंड फील्ड विथ टू मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट दो, ओ हो एंड 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 फोर, ठीक है, देन द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। ओ माई गॉड, समझिएगा, कोई कैपेसिटेंस है, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस है। सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का फार्मूला लिखेंगे, मैं इसको अभी रेजर कर देता हूँ मेरे भाई थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सबसे पहले आप फार्मूला लिखेंगे, चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फार्मूला क्या होगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो फार्मूला होता है मेरे भाई, वो होता है सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी। कोई दिक्कत? और यहाँ पे क्या दिया हुआ है मेरे भाई कि जो एरिया है, एरिया को आधा कर दिया जाए, एरिया को आधा कर दें, मतलब ये जो एरिया लिखा हुआ मेरे भाई, ये ए लिखा है, ए अगर सी देखोगे, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, इस तरह क्वेश्चन इसी प्रकार सॉल्व होते हैं मेरे भाई, इसी प्रकार सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए है कि नहीं है सर। अब एरिया को लिखा हुआ सर आधा, अगर सर इसको आधा करोगे तो ये भी आधा होगा कि नहीं, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ सर, मतलब सर एरिया को जब हम आधा किए तो सी आधा हो गया, ठीक है, अलग से लिख लीजिए। इसके बाद में फील्ड विथ टू मीडियम, अच्छा एरिया को आधा एंड फील्ड विथ टू मीडियम, ओ आधा कर दिए, ठीक है, तो सी भी आधा हो गया। अब इसके बाद में ध्यान से देखिएगा कि पहले तो के था, अब सर 2k और सर 4k कर दिए, और यहाँ पे एक न्यू कैपेसिटेंस पूछ रहा है, ठीक है सर। और यहाँ से देख लो सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिखा है कि नहीं लिखा सर, हाँ सर लिखा है के, ठीक है, जब सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिखा तो एक बार जब दो यहाँ पे रखोगे, मतलब इसको दो गुना जब किया तो ये दो गुना हो गया, ठीक है सर। जब सर इसको चार गुना किए, जब इसको चार गुना किए, चार गुना इसको किए मेरे भाई, इसको चार गुना किए तो ये भी चार गुना हो गया। समझते चलेगा मेरे भाई, अब ठीक है, अब क्या करोगे मेरे भाई, अब करना क्या है तुमको, करना ये है मेरे भाई कि जब ये दोनों सेम हैं मेरे भाई, तो यहाँ से काटोगे तो कितना आएगा, दो आएगा, मतलब सर बचेगा केवल कितना, सर बचेगा केवल सर यहाँ पे दो, ठीक है, सेम वाले को काट दिया जाता है, दो बचा मेरे भाई। क्या आपको वीडियो समझ में आ रहा मेरे भाई, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे भाई आरएम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आरओ के लिए नहीं बोलूँगा क्योंकि आरओ में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन आरएम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दो बचा मेरे भाई, तो समझिएगा, दो यहाँ से और सर आधा ये स्वयं हो रहा था, तो दो यहाँ पे बढ़ रहा है और यहाँ पे आधा हो रहा है, मतलब ये कि सी दो है और आधा यहाँ से ले लिए, दो दो कटा सर केवल सी, मतलब जो दस था वही दस फिर से आ गया। कोई दिक्कत मेरे भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी मेरे भाई, अलग अलग आप रख लो भाई, एरिया को आधा कर रहे थे तो कैपेसिटेंस आधा हो गया था, जब आप के को दो गुना तो ये दो गुना हुआ, के को चार गुना ये चार गुना, तो ये दो गुना ये चार गुना एक दूसरे को काट दिए, ठीक है, जब एक दूसरे को काट दिए मेरे भाई फिर क्या किए, जब एक दूसरे को काट दिए तो फिर आपने क्या किया, जब एक दूसरे को काट दिया बचा केवल दो, और जब दो कैपेसिटेंस हुआ और यहाँ आधा हो रहा था, तो दो का आधा एक, एक का मतलब सी, और सी का मतलब दस पहले से दिया था क्वेश्चन में, ठीक है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी मेरे भाई, आपको क्लियर हुआ क्वेश्चन। अगर देखिएगा एक मिनट ध्यान से समझिएगा, ठीक है, एज इट इज आप इसको याद करेंगे, है ना, एज इट इज याद नहीं करेंगे मेरे भाई, कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, थोड़ा सा रुक जाइएगा एक मिनट, मैं तो आपको दूसरी मेथड की कोशिश करता हूँ, पहले हिंदी में पढ़ते हैं, ठीक है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि किसी को समझ में नहीं आया है, तो थोड़ा सा पहले हम हिंदी में पढ़ेंगे मेरे भाई, हिंदी में पढ़ेंगे हिंदी क्या कहती है। वायुमध्य वाले समांतर पट्टियों के संधारित्व की धारिता 10 है, पट्टियों को दो भागों में बांट दिया जाए, ठीक है, टू भाग में, मतलब दो पार्ट में बांट दिए, मतलब सर के को के बाई टू कर दिए, ठीक है, के को के बाई टू कर दिए, ध्यान से समझना, पट्टियों को दो भागों में बांट दिया जाए तो के बाई टू, मेरे भाई देखो लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान देना, दो भागों में पट्टियों को बांट दिया, ठीक है, में दो व चार
मान के परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए, ठीक है। तो तंत्र की सबधारिता, मेरे भाई यही मेरे हिसाब से यही होगा जैसे मैं आपको समझाया हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बाकी इस क्वेश्चन का मेरे को थोड़ा सा डाउट है मेरे भाई, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को रखिएगा, अगले वीडियो में आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ जाइए मेरे भाई, हटाइए उस क्वेश्चन को, यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे क्या कहता क्वेश्चन, क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे क्या लिखा मेरे भाई, अरे यार हाँ, यहाँ पे लिखा है कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर इन, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इन, जो कैपेसिटी होती है कंडक्टर की वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, या कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, या कि स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, या कि डिपेंड ही नहीं करती। तो मेरे भाई आपको पता है सी इज इक्वल टू होता है, सी इज इक्वल टू होता है ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी, होता है ना। तो यहाँ से देखोगे सी और के का रिलेशन, तो सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के, मतलब सी जो है के इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपके सामने कहाँ पर लिखा हुआ है मेरे भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओ माय गॉड, पहले ही ऑप्शन में, कहीं जाने का काम नहीं पड़ा मेरे भाई, पहले ही ऑप्शन में आपके सामने आ गया। कोई दिक्कत, सिंपल क्वेश्चन था, अब ऐसे क्वेश्चन आपसे बन जाते होंगे, ठीक है। ठीक, आगे बढ़िए। हाँ, इस क्वेश्चन में समझिएगा, ये क्वेश्चन जो पहले हमने क्लियर किया था डाउट, उसी डाउट पे ये क्वेश्चन आ चुका है। पहले हमने क्वेश्चन क्या क्लियर किया था ये समझने की कोशिश करिएगा, पहले हमने क्या सोचा था, यहाँ से बात करेंगे। पहले हमने देखो यहाँ पे दिया हुआ सी की मैंने वैल्यू दी है, क्यू की वैल्यू दी है, चार्ज पूछ रहा है, इनर्जी पूछ रहा है, स्टोर इनर्जी पूछ रहा है। तो स्टोर इनर्जी कैपेसिटी में क्या क्या होती है मेरे भाई, हाफ सी भी स्क्वायर याद कर लो, हाफ क्यू भी कर लो, और सर एक होती है हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जो जो गिवेन हो वही वाला फार्मूला ले लेना है। जैसे यहाँ पे सी गिवेन है और क्यू गिवेन है, सी क्यू का रिलेशन किस में आ रहा है मेरे भाई, सी और क्यू का, सी और क्यू का, सी और क्यू का रिलेशन आ रहा है इस वाले से। तो इस वाले के एनर्जी का फार्मूला ले लोगे, मतलब ये कि हाफ हाफ क्यू कितना दिया हुआ है मेरे भाई, अरे ध्यान से सोचो, चार्ज सर बोल्ट दिया है, मतलब भी दिया है, सॉरी 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 सॉरी, कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा ये होता है जब आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, तो भी दिया था। तो सी और भी किस फार्मूले में, पहले वाले फार्मूले मेरे भाई हाफ, तो सी की वैल्यू 5 दी हुई है, मैक्रो को होता है 10^-6, आपको पता होगा मैक्रो वैल्यू, पहले वीडियो में याद करवाया था जब हम फिजिक्स स्टार्ट किए थे, ठीक है। और इसके अंदर पोटेंशियल जो था 1000, तो 1000 गुणे स्क्वायर है तो 1000, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या समझ में आया, मतलब सर एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटेंस पूछेगा, तो तीन फार्मूला, तीन उंगलियां आप उठाएंगे अपनी, पहले हाफ सी भी स्क्वायर, हाफ क्यू भी, हाफ हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, 10 बार आंखें मूंद के पढ़ो आपको याद हो जाएगा। अब इसके अंदर फार्मूला में जो जो गिवन हो, क्वेश्चन में जो जो गिवन हो उसी फार्मूला को यूज कर लेना है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करें मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे सी और मेरे भाई दिया था भी, इसलिए सी भी वाले फार्मूले का यूज किए, ठीक है, सी वाले फार्मूले का इसलिए यूज किए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। चलिए 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 चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा मेरे भाई, कौन देगा, ये तो आप क्लास 11-12 पढ़ते आ रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आप क्लास 11-12 पढ़ते आ रहे हैं। ये कौन से है मेरे भाई, ये कौन से में है, ये कौन से है मेरे भाई, सीरीज में लगा हुआ है, और सीरीज में कैपेसिटेंस कैसा होता है, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। जब इसको सॉल्व करोगे मेरे भाई तो कितना आएगा सर, 1/1 वैल्यू दी हुई, 1/1 दी हुई, मतलब सर 2/1, ओ माय गॉड 2 आ गया सर, ठीक है 2 आ गया इसकी वैल्यू, लेकिन 1/C है, लेकिन यहाँ सी की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 आया, ठीक है मेरे भाई। क्या आपको समझ में आया, अरे ध्यान से देखना मेरे भाई, देखो जब 1/C1 प्लस 1/C2 को सॉल्व किए तो 2 आया, लेकिन सर 1/C होता है, यहाँ से सी की वैल्यू हम निकालेंगे तो 1/2 आया, ठीक है, इसकी वैल्यू 1/2 आया, और सर ये 1/1 है, तो समझिएगा सर ये सीरीज में था तो ये 1 बच गया, यहाँ पे आप केवल 1 लगा दोगे, उसकी वैल्यू आ गई 1/2, और ये वाला और ये वाले की बात करेंगे तो ये दोनों सीरीज में हैं,
अरे पैरेलल में हैं, और जब पैरेलल में कैपेसिटेंस आते हैं तो जुड़ते हैं, मतलब 1/2 + 1 बराबर होता है सर 3/2, और 3/2 को 1.5 भी लिख सकते हैं, जो आपके सामने बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। क्या बताया सर, ये दोनों सीरीज में जुड़े हैं। सीरीज में कैपेसिटेंस का फार्मूला ये होता है, आप IGT वैल्यू निकालिए, यहाँ से सी की वैल्यू निकालना मेरे भाई, 1/C मत निकाल देना, बहुत बार स्टूडेंट गलत करते हैं, मैं आपको नोटेड करा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम पास आ रहा है। अब आपके सामने बहुत कम समय बचा है, तो इस चीज को जो नोट करा रहा हूं उसको नोट करके 1/C की वैल्यू यहां से नहीं निकालना, सी की वैल्यू निकालना मेरे भाई, ठीक है। तो 2 आ रही थी, ठीक, तो 1/2 फिर आ गई जब सी की वैल्यू निकालनी, इसका उल्टा हो गया। लेकिन जब सीरीज में होता है तो सर 1/2 में आता है, लेकिन जब पैरेलल में होता है प्लस करते हैं, तो 1/2 और प्लस 1 तो 1/5। क्या आपको क्लियर हुआ? तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, कैपेसिटेंस से जो क्वेश्चन आज करवाया हूं ना, यदि आपसे वो क्वेश्चन सभी बन गए हैं, सभी बन गए तो मैं 100% बता रहा हूं, वो नहीं भी फंसेगा तो आप कर सकते हैं, क्योंकि वो एक नंबर के जो डिफेंस लेवल के एग्ज़ाम होता है तो उनके लिए बेस्ट क्वेश्चन थे वो मेरे भाई, बेस्ट क्वेश्चन थे, तो आप याद रखिएगा। और मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं मेरे भाई कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं एक चीज़ आपको यहाँ ही क्लियर कर देता हूँ, आपके सामने एक फार्मूला आएगा, एक फार्मूला आपके सामने बहुत बार देखे होंगे कि E=∂V/∂x, ठीक है, ∂V/∂x। मेरे भाई इस फार्मूले को जितना ही बार हो सके उतनी बार देख के जाना, वी और एक्स की वैल्यू देके आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा, 100% पूछेगा। तो इस फार्मूला को बार के बार मैं आपको बता रहा हूँ, पहले वीडियो में बताया, दूसरे में, सब में इसको बता रहा हूँ, क्योंकि ये किसी भी बुक दिखाएंगे, किसी भी BSF की बुक उठा लीजिए, चाहे एयरफोर्स नेवी एंडी किसी की फिजिक्स की बुक उठाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है वी और डी देकर, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, थोड़ा मेरे भाई शेयर करा करिए चैनल को, ठीक है। तो जल्द से जल्द 500 सब्सक्राइबर पहुंचने वाले हैं मेरे भाई, तो सपोर्ट के लिए धन्यवाद, 500 सब्सक्राइबर पहुंचने वाले हैं। तो जय हिंद, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा मेरे भाई, और उस क्वेश्चन का आंसर आपको ज़रूर बताना है, क्वेश्चन का आंसर कौन सा था मेरे भाई, कौन सा था, कहाँ गया मेरे भाई, ये मैं कैलकुलेशन आपको अलग से किसी कागज़ में बताया था, ये आपके सामने है। तो PDF आपको टेलीग्राम में मिलेगी, तो जाके ज्वाइन कर लीजिए, IGT PDF आपको मिलने वाली है। तो जय हिंद।